हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण लड्डा, टीम सीएलसी फिजिक्स, आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं। ये हमारा जो सेशन है, ये डीसीएम पेपर 7 out of 42 क्वेश्चंस पेपर का सॉल्यूशन होगा यहां पर, जिसमें हमारा जो सिलेबस है वो है वर्क एनर्जी पावर एंड सर्कुलर मोशन। तो हम इसका जो सॉल्यूशन है उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, इफ ए बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अनदर बॉडी एंड मूविंग विद, देन द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द अपर बॉडी रिलेटिव टू ग्राउंड इज। आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि भाई ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दो बॉडी है, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर रखी हुई है, ये वहां पर रखी हुई है, एक वस्तु दूसरी के ऊपर रखी हुई है, तथा एक साथ चल रही है, ये दोनों साथ साथ चल रही है। मींस यहां पर क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा अपर बॉडी पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और लोअर बॉडी पे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो आपसे पूछा है पृथ्वी के सापेक्ष घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होगा किस पे, ऊपर रखी वस्तु। तो ऊपर रखी वस्तु पे घर्षण बल आगे, विस्थापन भी आगे। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको गिवन है, ए व्हीकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी वी ऑन ए कर्व्ड रोड ऑफ विड्थ बी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। For counter acting the centrifugal force on the vehicle, the difference in elevation required in between the outer and inner edge on the road is। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, एक वाहन B चौड़ाई तथा R त्रिज्या की वक्रता, त्रिज्या की एक वक्र सड़क पर वेग V से गतिशील है। वाहन पर लगने वाले अपकेंद्र बल को संतुलित करने के लिए सड़क के आंतरिक व बाहरी किनारों की ऊंचाई में कितना अंतर होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से, ये आपके सड़क, ये सड़क, ये आपने सड़क का ये आंतरिक किनारा, ये बाह्य, ये इसकी विड्थ आप ये ले लो, बी विड्थ ले लो, ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया। अब यहां पर कोई व्हीकल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, तो इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, तो यह होता है टेन थीटा। ये जो टेन थीटा होता है, इसका रिलेशन पता है हमें, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यहां आर इसकी रेडियस है, तो हम ये जो है रेडियस जो है इसको कैपिटल आर जी ले लेते हैं। टेन थीटा अप्रोक्स साइन थीटा के इक्वल होगा, तो ये हाइट होगी आपकी एच, तो ये परपेंडिकुलर, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बी और बेस, ये अप्रोक्स इक्वल होगा क्योंकि टेन थीटा यहां पर स्मॉल है एंगल, तो टेन थीटा साइन थीटा के इक्वल ले सकते हैं, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये v स्क्वायर अपॉन r g आ गया। आपसे पूछा है कितना अंतर होना चाहिए, यानी कि हाइट पूछिए, तो ये हाइट आ गई है आपकी v स्क्वायर b अपॉन r g, तो v स्क्वायर b अपॉन r g मींस राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, यदि हम किसी वस्तु को h ऊंचाई तक ऊपर उठाएं तथा वस्तु स्थिर संतुलन में, तब कुल किया गया कार्य होगा। मींस आप किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं, आपने उठाया उसको, वस्तु को h ऊंचाई तक, h हाइट तक उठाया, और वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, मींस आपने उठा के किसी हाइट पे ले गया, तो कुल किया गया कार्य होगा। तो भाई कुल किया गया कार्य जो होता है, इस पर कुल बल कितना है, शून्य, जितना हम ऊपर लगा रहे हैं उतना है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, नेट फोर्स जीरो है आपका, नेट फोर्स जीरो है, तो यह आपका हो जाएगा वर्क डन। ये नेटवर्क जीरो हो जाएगा, कुल कार्य शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु क्षैतिज खुरदरी सड़क पर चल रही तथा वस्तु गत्यात्मक संतुलन में, तब कुल किया गया कार्य। क्वेश्चन है, ए बॉडी इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल रफ रोड एंड द बॉडी इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, द नेट वर्क डन इज। तो यहां पर भी इक्विलिब्रियम आ रहा है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स आपका जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो, तो नेट वर्क डन भी क्या होगा, जीरो ही होगा, तो इसमें भी राइट आंसर जो होगा वो जीरो ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, ए वेट लिफ्टर लिफ्ट ए वेट ऑफ द ग्राउंड एंड होल्ड इट अप। देखो, एक भारोत्तोलक फर्श पर से एक भार को ऊपर उठाता है, तो ऊपर उठाए रखता है वो,
हाइट तक लेके गया, अब उठाए रखता है, तो उसको जो वर्क करना पड़ेगा वो भार को ऊपर उठाने तथा साथ साथ उठाए रखने में कार्य किया जाता है, नहीं सिर्फ उसको लिफ्ट करने में ही क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, उसको होल्ड करने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो भार को ऊपर उठाने में कार्य किया जाता है परंतु उठाए रखने में कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने जब उसको लिफ्ट किया डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब आपने फोर्स लगा रखा उस पर, होल्ड किया हुआ डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो आपको उसको उठाए रखने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द रेडियस आर ऑफ द सर्कुलर पाथ, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोल रहा है किसी कण का अभिकेंद्रित वृत्तीय पथ की त्रिज्या आर के वर्ग के व्युत्क्रम अनुसार बदलता है, तो कण की गतिज ऊर्जा समानुपाती रूप से निम्न प्रकार बदलेगी। तो हमें पता है अभिकेंद्रीय बल जो होता है एफ सी यानी कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आपके पथ की त्रिज्या आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल वेर इज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स जो होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये स्क्वायर ऑफ द रेडियस सर्कुलर पाथ इसके प्रोपोर्शनल होगा। सेंट्रिपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां पर जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है एस सी मीन्स वी स्क्वायर अपॉन आर इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, ये मेंशन है आपको, आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर आया। अब आपसे बोल रहा है कण की गतिज ऊर्जा समानुपाती रूप से निम्न प्रकार बदलेगी, तो गतिज जो ऊर्जा होती है वो होती है एक बटे दो एम वी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा एक बटे दो एम वी स्क्वायर, आप यहां पर v स्क्वायर देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल, यहां पर v स्क्वायर मास कॉन्स्टेंट है तो ये वन अपॉन आर आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 आर टू पावर माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति चलती ट्रेन में एक संदूक को धकेलता है तो पृथ्वी के फ्रेम में किया गया कार्य होगा, जहां एस ट्रेन में संदूक का विस्थापन तथा एस नोट ट्रेन का फर्श के सापेक्ष विस्थापन है। देखो क्वेश्चन है, एक ट्रेन है उसके अंदर एक संदूक है, अब उसके अंदर ये एक आदमी इस संदूक को पुश कर रहा है, धकेल रहा है, यानी कि इसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो यहां पे पृथ्वी के सापेक्ष इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो पृथ्वी यानी कि अर्थ के रेस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, अर्थ के रेस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा इसका एस नेट, वो होगा एस प्लस एस नॉट। तो यहां पर जो नेट वर्क डन होगा, नेट वर्क डन वो हो गया फोर्स और नेट डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन हो गया एफ डॉट नेट डिस्प्लेसमेंट इज एस प्लस एस नॉट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए पंप मोटर इज यूज टू डिलीवर वॉटर एट सर्टेन रेट फ्रॉम ए गिवन पाइप टू ऑब्टेन ट्वाइस एज मच वॉटर फ्रॉम द सेम पाइप इन द सेम टाइम द पावर ऑफ मोटर हैज टू बी इंक्रीज टू। देखो आपको एक पंप मोटर को दी गई नली द्वारा एक निश्चित दर पर पानी निकासी के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी नली से पहले से दो गुनी पानी की मात्रा उतने ही समय में प्राप्त करने के लिए मोटर की शक्ति बढ़ानी होगी। तो क्वेश्चन इस तरह से, ये देखो एक नली है, ये एक नली मान लो, अब इस नली में ये इसकी लंबाई ले लो एल, यहां पर इसका वेग 0 और यहां पर जब बाहर निकलता है तो इसका वेग है वी। अब इसके अंदर आप मान लो कि ये द्रव्यमान एम है, तो ये जो यहां से यहां तक जब आता है पंप के द्वारा ये तरल, तो इसका वेग यू 0 से यहां पर वेग वी हो जाता है, तो इसमें पावर डिलीवर होगा, इसकी लंबाई एल होगी और टी समय में ये यहां पर आ रहा है। तो आपसे पूछा है मोटर की शक्ति कितनी होगी, तो जो मोटर की शक्ति पावर होगी वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन अपॉन समय टी, तो एक बटे दो एम वी स्क्वायर अपॉन शक्ति, ये टी हो गया। अब यहां पर आपके जो है एम अपॉन टी क्या, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एम अपॉन टी, तो मास जो है वो होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका अगर एरिया जो है ए है
और इसकी लेंथ है एल अपॉन टी, ये हो गया मींस यूनिट टाइम में जो मास इसमें से फ्लो होता है वो हो गया एम ए एल बाई टी, जिसको एल अपॉन टी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी वी हो जाएगी, तो ये रो ए वी हो जाएगा। आप देख रहे हैं रो और ए तो कॉन्स्टेंट है, मींस मास जो होगा वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। तो मास यहां पर वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो आप इसको पावर को लिख सकते हैं 1/2 मास डेंसिटी ए और वी स्क्वायर, और वी ये वी क्यूब हो गया। आप देख रहे हैं यहां पर जो पावर है वो वी क्यूब के प्रोपोर्शनल हो गई। तो आपको अब क्या करना है, मास डबल करना है, तो वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी। तो अब जो पीडेश हो जाएगा, तो पीडेश किसके प्रोपोर्शनल होगा आपका, वेलोसिटी, मास डबल करने के लिए वेलोसिटी डबल करनी पड़ेगी, तो वेलोसिटी 2v क्यूब हो जाएगा। तो पीडेश प्रोपोर्शनल 8v क्यूब, तो पीडेश इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनिशियल का 8 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि आपको शक्ति 8 गुनी बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दिया हुआ है, आपको दो ट्रक, एक भरा हुआ है दूसरा खाली है, ए और बी दोनों चल रहे हैं, दोनों की गति ऊर्जाएं समान है। देखो किस तरह से, ये आपने दो ट्रक ले लिए, ये ए और बी, दोनों की गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी ए और काइनेटिक एनर्जी बी दोनों की सेम है। अब ए का द्रव्यमान बी की तुलना में दोगुना है, तो ये मास ऑफ ए इज 2 times ऑफ मास ऑफ बी, ये बोला है इसने। अब दोनों ट्रकों पर ब्रेक लगाए जाते हैं, यानी कि दोनों पर सेम फोर्स लगाया जा रहा है, ब्रेक लगाया जा रहा है, यानी कि दोनों पर सेम फोर्स लगा रहे हैं, तथा विराम अवस्था में लाया जाता है। तो विराम में आने तक यदि ए के द्वारा तय की दूरी, तो ये आता है विराम में, ये इसका वेग 0 हो जाएगा, इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, तब ये कितना चलेगा, S1, और जब ये रेस्ट पोजिशन पे आएगा इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ये कितना चलेगा, S2 चलेगा। तो यहां पर ए रेस्ट पे आएगा, बी भी रेस्ट पे आएगा, ये S1 चल रहा है, ये S2 चल रहा है, तो S1 और S2 का रेशो क्या होगा, हमें ये पूछा है क्या रिलेशन होगा। तो देखिए यहां पर हम देखें तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, मीन्स यहां से यहां तक आने में दोनों को वर्क डन क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, तो वर्क डन जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गया। ये किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर आप डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन देखें तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन फोर्स, दोनों में काइनेटिक एनर्जी सेम है, फोर्स सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये आपके S1 इक्वल टू क्या आएगा, S2 आएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। तो आप देख रहे हैं यहां पर मास पे ये डिपेंड करेगा नहीं, अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो होगा डिस्प्लेसमेंट भी इनका इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया हुआ है ए बॉडी ऑफ मास 1 kg थ्रोन अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 m/s, इट मोमेंटरली कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग ए हाइट ऑफ 18 m, हाउ मच एनर्जी इज लॉस ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। आपने एक पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी 20 m से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, तो ये मास हो गया आपका 1 kg, आपने इसको 20 m/s से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इसने 18 m हाइट गेन की। अब ये 18 m हाइट जब गेन करेगा तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, एक तो इस पे लगेगा ग्रेविटी फोर्स, तो एक तो लगेगा ग्रेविटी फोर्स, एक लगेगा एयर रेजिस्टेंस फोर्स यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और इनिशियल क्या है, 1/2 mv². अब आपसे पूछा है यहां पर कि वर्क डन बाय एयर यानी कि घर्षण के द्वारा कितनी ऊर्जा आनी होगी, तो जितना वर्क डन बाय एयर होगा उतनी ही ऊर्जा आनी होगी, तो हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालें, तो ये आपका हो गया -1/2 m, m कितना है 1, v कितना है 20 × 20, ये इस तरफ आएगा माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ये माइनस और वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो mg1, जी की वैल्यू 10 और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 18, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ रहा है -200 और ये आपका माइनस तो ऑलरेडी होगा क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 180, तो ये आ रहा है -20, मींस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स होगा -20। जब पार्टिकल ऊपर जाएगा
ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो नेगेटिव होना ही है, यही इसका एनर्जी लॉस में होगा, तो 20 जूल जो है एनर्जी लॉस में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एम तथा एन क्रमशः स्प्रिंग नियतांक के वन तथा के टू की दो अलग स्प्रिंग से लटकाई गई है, मीन्स यहां पर इनको हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। यदि दो वस्तुएं क्षैतिज में इस प्रकार दोलन करी तो यहां पर क्या है, समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एम तथा एन क्रमशः स्प्रिंग नियतांक के वन तथा के टू की दो अलग स्प्रिंग से इसको क्या करा है, आपने क्षैतिज में रखा है, तो ये क्षैतिज में रखा है। यदि दो वस्तुएं क्षैतिज में इस प्रकार दोलन करती है कि इनके अधिकतम वेग बराबर हैं तो m तथा n के कंपनों के आयाम होंगे। टू बॉडीज m and n ऑफ इक्वल मासेस आर कनेक्टेड फ्रॉम टू सेपरेट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट k1 एंड k2 रेस्पेक्टिवली। इफ द टू बॉडीज ऑसिलेट हॉरिजॉन्टली सच दैट देयर मैक्सिमम वेलोसिटीज आर इक्वल द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ m टू दैट ऑफ n। तो यहां पर ये जो दोनों ब्लॉक है ये आपके इस तरह से हॉरिजॉन्टल में स्प्रिंग से कनेक्टेड है, K1 एंड K2। अब यहां पर इनकी जो पूछा है आयाम के अनुपात, तो भाई आयाम के जो अनुपात होंगे ठीक है, यानी कि x वो किसके इक्वल होगा, जब ये मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा उस समय इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होगी। तो ये दोनों की काइनेटिक एनर्जी जब इक्वल है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी इक्वल होगी, तो 1/2 k1 x1 square = 1/2 k2 x2 square, ये 1/2 कैंसिल, तो आपको x1 अपॉन x2 का जो अंडर रूट आएगा दैट इज k2 अपॉन k1, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो यहां पर ये जो दोनों ब्लॉक है एक स्मूथ सरफेस पे अलग अलग स्प्रिंग K1 K2 से कनेक्ट किया हुआ, आप इनको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्मॉल डिस्प्लेस करके जब रिलीज करते हैं तो दोनों ऑसिलेट करते हैं, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होने की वजह से इनकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/2 kx2, वो भी इक्वल होगी, इस वजह से ये x1/(x2)√k2/(k1) होगा। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी के ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस आर डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस एस एस के इक्वल्स टू एस स्क्वायर द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज। देखिए एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसकी त्रिज्या आर है, कण की गति ऊर्जा दे रखी है, तो यहां पर कण की गति ऊर्जा के इक्वल्स टू क्या होगी ए एस स्क्वायर होगी, जो कि होती है आपकी गति ऊर्जा 1/2 mv2, ये हो गया। अब यहां पर पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इस पर पूछा कुल बल कितना होगा, तो इस पर सेंट्रिपिटल भी होगा और इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये आपके टेंजेंशियल भी होगा, तो ये कुल बल होगा, इसका मास है m, पार्टिकल का मास m, और ये हो गया आपका ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ए सी कितना होगा, ए सी की वैल्यू हम रखते हैं तो ए सी होता है हमारा वी स्क्वायर अपॉन रेडियस इसकी r, तो v स्क्वायर अपॉन r यहां से निकाले हैं तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as² / m, तो ये आपका हो गया 2as² / m, ये v स्क्वायर 2 इस तरफ चला गया 2a² / m ठीक है, और ये r अपनी जगह है, तो ये तो ac की वैल्यू आ गई। अब at क्या होता है, at होता है dv/dt, चलो इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आपका हो गया 2v dv/dt, अब 2a/m तो कांस्टेंट है, s स्क्वायर का करेंगे तो 2s ds/dt, अब ds/dt क्या होता है, v होता है, ये v से v, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये dv/dt यानी कि at इक्वल्स टू क्या आ रहा है 2as dv/dt, at 2as/m आ रहा है, ये वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो ये f इक्वल्स टू m, ac की वैल्यू ac दैट इज 2as² / mr² + 2as/m, ये होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 किलोग्राम द्रव्यमान का एक खिलाड़ी 25 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई तक 20 कदम प्रति मिनट की दर से कूदता है तो उत्पन्न शक्ति होगी। देखो एक आदमी है 60 किलोग्राम का, वो हर
एक मिनट में 20 कदम जंप कर रहा है, यानी कि 20 बार ऊपर नीचे हो रहा है, 25 सेंटीमीटर हाइट तक जा रहा है, तो शक्ति होगी। तो पावर जो होती है वो एम जी एच अपॉन टी होगी। तो एम कितना है 60, जी कितना लेंगे, जी हम ले लेते हैं 9.8। अब हाइट, टोटल हाइट कितनी बार, तो 25 इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और ये 20 बार अपॉन टाइम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ये आ गया आपका। तो ये आपके, इसको सोल्व करते हैं तो ये अप्रोक्स, अगर मैं ये 10 लेता हूँ, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये 50 यानी कि 49 वोट आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, एक स्प्रिंग से एक भारी वजन लटकाया गया, एक व्यक्ति वजन को तब तक ऊपर उठाता है जब तक स्प्रिंग ढीली न हो जाए, इसके द्वारा किया गया कार्य W है। तो खींची हुई स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा E थी, तो गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी। तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, ये स्प्रिंग है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ये इसमें ऑलरेडी एक्सटेंशन है। अब इस पर फोर्स लगा के इसको यहां से यहां तक लाया गया, तो यहां पर यहां से यहां तक लाने में जो कार्य होगा वो आपको W दे दिया, और खिंची स्प्रिंग में जो ऊर्जा थी, इस समय ऊर्जा जो है वो E है, यानी कि समय इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी E है। तो गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा में जो वृद्धि होगी, एक तो कार्य, जितना आप कार्य करेंगे, और इसकी जो स्थित ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो इसकी गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा में वृद्धि में परिवर्तित हो जाएगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। देखिए क्वेश्चन है, वन मैन टेक्स 1 मिनट टू रेज अ बॉक्स टू ए हाइट ऑफ 1 मीटर एंड अनदर मैन टेक्स 1/2 मिनट्स टू डू सो, द एनर्जी ऑफ द टू इज। अब ये दोनों जो है, एक एक मिनट में सेम हाइट तक, दूसरा भी उतने 1/2 मिनट में सेम हाइट तक जाता है, तो दोनों व्यक्तियों की ऊर्जाएं होगी। ऊर्जाएं जो होती है वो समय पर निर्भर नहीं करती, शक्ति करती है। तो ये आपका इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक स्प्रिंग को बांध दिया जाता है तब इसमें स्थित ऊर्जा की कुछ मात्रा संग्रहित हो जाती है, यदि इस बंधी हुई स्प्रिंग को अम्ल में घोल दिया जाए तो संग्रहित ऊर्जा का क्या होगा। तो देखो, जब आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, आपने एसिड में डाल दिया, एसिड में डालेंगे तो जो इसकी ऊर्जा है वो किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या होता है, ये जो ऊर्जा होगी ये ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होगी, जिससे अम्ल का ताप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, ए बॉडी ऑफ मास एम इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट एच ऑन ए सैंड फ्लोर, इफ द बॉडी पेनेट्रेट एक्स सेंटीमीटर इनटू द सैंड, द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सैंड टू द बॉडी इज। देखिए आपको यहां पर दिया हुआ है, ये एक बॉडी है, सपोज करो ये बॉडी है और ये है सैंड, ये यहां पर ये सैंड है। अब इसको आपने एच हाइट से ड्रॉप किया, ठीक है, तो आप इसको जब एच हाइट से ड्रॉप करते हैं तो ये क्या होगा, इसकी वेलोसिटी यहां 0 थी, यहां इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v cos to under root 2gh हो जाएगी। अभी जब पेनेट्रेट होगी तो इस पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, नीचे की तरफ तो g लगेगा, और इस पे ऊपर की तरफ क्या लगेगा, रेजिस्टेंस लगेगा x, रिटार्डेशन लगेगा a। तो ये फाइनल यहां जाके वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो यहां से यहां के बीच में आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की थर्ड से आप a निकाल लें, तो फाइनल वेलोसिटी 0 इनिशियल 2gh का स्क्वायर प्लस 2 जी नीचे पॉजिटिव, ए ऊपर नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये बोल रहा है एक्स सेंटीमीटर तक अंदर चली गई। ये आपसे पूछा है ए इंटू एम, तो आप ए निकालो, उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो ये 0 टू जी एच, ये 2 भी एक काम करते हैं, 0 में कॉमन लेके डाल देते हैं, तो जी एच प्लस जी एक्स माइनस ए एक्स, ये इस तरफ आएगा, तो ए एक्स इक्वल्स टू जी एच प्लस जी एक्स हो गया। आप x से इधर डिवाइड कर दें, ये हो गया a आ गया। अब इसको मास से मल्टीप्लाई कर दें, तो फोर्स जो होगा वो मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन होता है, तो ये मास m, और ये हो गया आपका g बार कॉमन ले लें, h बाय x प्लस 1 ये g, तो आपका रहा आंसर एम जी 1 प्लस एच बाई एक्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द्रव्यमान स्मॉल एम की एक गोली द्रव्यमान एम की एक बंदूक से किसी वेग से दागी जाती है। बंदूक जो कि किसी स्प्रिंग के एक सिरे से जुड़ी स्प्रिंग को डी दूरी से संपीड़ित करती है। स्प्रिंग नियतांक के जो है आपको दिया हुआ है, तो गोली का वेग होगा। तो देखिए यहां पर जैसे ही बंदूक से गोली निकलती है संवेग संरक्षण लगेगा, तो यह आपके एम गोली का द्रव्यमान, इसका वेग है वी, बंदूक का द्रव्यमान एम और इसका वेग हो गया, बंदूक पीछे की तरफ रिकॉइल होगी वी वन। तो ये बोल रहा है बंदूक जो किसी स्प्रिंग के जुड़ी है स्प्रिंग को डी दूरी तक संपीड़ित करती है, यदि के स्प्रिंग नियतांक है तो गोली का वेग होगा, तो ये संवेग दोनों का बराबर होगा पी। अब यहां पर ये इसके पास ऊर्जा आ गई बंदूक के पास 1/2 एम वी वन स्क्वायर, यही प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा में इसको जो संपीड़ित करेगी हाफ के डी स्क्वायर में परिवर्तित हो जाएगी। चलिए अब यहां पर एम से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, एम से नीचे मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल एम से, तो ये 1/2 यही चीज आपके पी के इक्वल है, यानी कि स्मॉल एम के इक्वल आ गए, तो ये आपके स्मॉल एम स्क्वायर वी स्क्वायर और ये क्या कैपिटल एम 1/2 के डी स्क्वायर, 1/2 कैंसिल हो गया आपसे वी स्क्वायर की वैल्यू, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू के कैपिटल एम डी स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम स्क्वायर, बहुत सारे अंडर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट के कैपिटल एम और ये आपका हो रहा है स्क्वायर है ये डी बाई स्मॉल एम, तो डी बाई स्मॉल एम अंडर रूट के कैपिटल एम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंजन एक छिद्र के द्वारा पानी लगातार फेंकता है, यदि चाल जिससे पानी छिद्र से गुजरता है v है तथा छिद्र छोड़ते समय पानी के जेट का द्रव्यमान प्रति इकाई लंबाई k है, तो पानी को प्रदान की जा रही गतिज ऊर्जा की दर, गतिज ऊर्जा की दर यानी कि शक्ति, तो p 1/2 एम वी स्क्वायर अपॉन एम टी। तो ये सपोज करो पाइप है, इसकी लंबाई एल ले लो, ये समय टी में यहां से यहां तक इसको वी वेग से बाहर निकालता है, इसका द्रव्यमान एम हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पी 1/2 एम एल से इधर डिवाइड किया, ये एल बाई टी, ये वी स्क्वायर, एल बाई टी क्या होता है वी हो जाता है, और ये आपको दिया हुआ है के, तो पी इक्वल्स टू 1/2 के एम बाई एल, क्या दिया हुआ के इकाई लंबाई पर द्रव्यमान, एल बाई टी वी, तो ये वी क्यूब हो गया, तो ये आंसर होगा 1/2 के वी क्यूब, तो ये हो गया आंसर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, टू अनइक्वल मासेस ए एंड बी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन आर ब्रॉट टू रेस्ट बाय इक्वल रिटार्डिंग फोर्स, इफ ए मूव्स ट्वाइस दिस टाइम एज बी बट गोज ओनली 1/3 ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय बी बिफोर कमिंग टू रेस्ट द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज इज। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक सीधी रेखा में चलते हुए दो असमान द्रव्यमान, ये दो असमान द्रव्यमान है, ये आपने ले लिया ए असमान द्रव्यमान, ठीक है, ये बी आपने ले लिया, ये बी हो गया, इसका द्रव्यमान एम हो गया। एक सीधी रेखा में चलते हुए दो असमान द्रव्यमानों ए तथा बी को समान अवमंदन बलों द्वारा विरामावस्था में लाया जाता है, तो यहां पर इसका वेग वी वन ले लो, इसका वेग वी टू ले लो, और ये बल आप लगा रहे हो दोनों पर सेम बल लगा रहा है एफ, इस पर भी क्या लग रहा है एफ बल लग रहा है, रिटार्डेशन लग रहा है, अवमंदन लग रहा है। यदि बी की तुलना में ए दोगुने समय तक चलता है, अब ये यहां से यहां तक चला, इसको टाइम लगा टी वन, और ये रेस्ट पे आया, ये भी रेस्ट पे आ गया, ये भी रेस्ट पे आ गया, इसको टाइम लगा टी टू, तो ये बोल रहा है बी की तुलना में ए दोगुने समय तक चलता है, तो टी वन इक्वल्स टू टू टाइम्स टी टू हो गया, बी की तुलना में ए दोगुने समय, तो ये टी वन की वैल्यू टू टी टू होगी, परंतु विरामावस्था में आने तक बी द्वारा तय की दूरी का केवल 1/3 चलता है। अगर ये दूरी एस वन चल रहा है, ये एस टू चल रहा है, तो ये बोल रहा है इफ ए मूव्स ट्वाइस द टाइम एज बी बट गोज ओनली, ये डिस्टेंस एस है, ओनली 1/3 ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाई थ्री, तो ये एस वन होगा 1/3 एस टू होगा, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, तो यहां पर दोनों की वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा, तो आप देखें यहां पर ये फोर्स सेम है, दोनों का मास क्या होगा सीधे का असमान द्रव्यमान है, तो फोर्स सेम है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा यहां पर दोनों का डिफरेंट होगा।
अब यहां पर दोनों की वेलोसिटी जो है वी वन और वी टू आपको गिवन है, डिस्प्लेसमेंट, तो हम पहले वेलोसिटी की इक्वेशन निकालते हैं, वी इक्वस टू यू प्लस ए टी। तो देखिए वी इक्वस टू फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो हम फाइनल वेलोसिटी जीरो कर देते हैं, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी वी, ठीक है, ये वी वन हो गया, रिटार्डेशन लग रहा है ये ए, तो ये हो गया आपका एफ बाई एम। तो यहां पर इनके वेगों का अनुपात निकालना है, तो यहां पर द्रव्यमान जो है सीधी रेखा में चलते हुए असमान द्रव्यमानों को, यहां पर अवमंदन बल जो लग रहा है समान अवमंदन बल लग रहा है, ठीक है, तो ये F बाई एम जो होगा दोनों का डिफरेंट होगा, एक्सलेशन डिफरेंट होगा, तो ये आपका एक्सलेशन बोल सकते हैं आप, ये F बाई एम टाइम लग रहा है टी वन, ठीक है, ये वेलोसिटी आपकी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी, तो ये रिलेशन आ गया। अब सेकेंड वाले केस में भी ये V2 F मास, इसमें M1 ले लो, इसमें मास M2 ले लो, असमान द्रव्यमान है, तो ये M2 टाइम T2 हो गया। अब आप यहां पर डिस्प्लेसमेंट के लिए भी रिलेशन लिख दो, चलो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, तो S1 के लिए S1 इक्वल टू ये डिस्प्लेसमेंट है, तो V स्क्वायर, तो देखिए अब आपने S निकालेंगे तो S किससे निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन से निकाल लेते हैं, तो ये तो आपका रिलेशन आ गया एक, इससे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिलेशन आ रहा है V1 इक्वल्स टू F by M1 T1, और ये V2 आ रहा है F by M2 T2, आप दोनों को डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करेंगे तो F से F कैंसिल हो गया, तो ये आपका M2 अपॉन M1 और T1 अपॉन T2 की वैल्यू आ रही है 2, तो ये V1 अपॉन V2 का एक तो ये रिलेशन आ गया। एक आप रिलेशन लगाएं थर्ड इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2S लगाते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो का स्क्वायर ये V1 स्क्वायर प्लस 2 रिटार्डेशन लग रहा है माइनस F बाई M1 और डिस्प्लेसमेंट S1, सेम सेकेंड के लिए भी लगाएंगे, बी केस के लिए भी स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस F बाई M2 S2, डिवाइड करेंगे तो यहां पर यह आएगा V1 अपॉन V2 का स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, F से F कैंसिल, तो ये आ गया M2 अपॉन M1 और S1 अपॉन S2, S1 अपॉन S2 कितना है 1 बाई 3, 1 बाई 3 रख दो, M2 अपॉन M1 की वैल्यू यहां से रख देंगे, तो ये M2 अपॉन M1 है, तो M2 अपॉन M1 की वैल्यू, तो ये V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर, M2 अपॉन M1 जो आ गया वो आ गया V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर, V2 अपॉन V1, ओनली V2 अपॉन V1, और ये 2 नीचे आ जाएगा और ये 1 बाई 3 भी आ जाएगा, एक V1 अपॉन V2 से ये कैंसिल हो गया, तो V1 अपॉन V2 का रेशियो जो आ रहा है 1:6 आ रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक खिलौना बंदूक में बल नियतांक के की एक स्प्रिंग प्रयोग की जाती है, ऊपर की दिशा में दागने से पहले स्प्रिंग को दूरी x तक संपीड़ित किया गया, यदि गोली का द्रव्यमान m हो तो दागने पर कितनी ऊंचाई तक जाएगी, तो आपने गोली जो है उसके अंदर भरी है तो उसको कंप्रेस किया है, तो उसके अंदर एक स्थिति ऊर्जा आ जाएगी, दैट इज 1 बाई 2 के एक्स स्क्वायर, ये स्थिति ऊर्जा जब आप इसको फायर करते हैं तो ये गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी एम जी एच, तो आपसे पूछा किस हाइट तक जाएगी, तो एच इक्वल टू हो गया के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एम जी, तो के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एम जी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहां पर आपको दिया हुआ है एक पुली गिवन है, तो चित्र में दिखाया गया निकाय को विरामावस्था से छोड़ा जाता है, तो ये मास 2 के जी, ये 5 के जी, ये 2 के जी, ये 5 के जी, इसकी वैल्यू दी हुई है आपको, के की वैल्यू 40 न्यूटन, जी की वैल्यू 10 लेनी है। अब यहां पर बोला है इसको आप यहां से रिलीज करते हैं कि जब ये लिफ्ट होता है ग्राउंड से, अपना संपर्क छोड़ता है 2 केजी का, तो उस समय इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, चाल क्या होगी, हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब जिस इंस्टेंट पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, एक तो के की वैल्यू गिवन है 40 न्यूटन पर मीटर, ये जब अपना कॉन्टेक्ट छोड़ेगा तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा, इसमें जो टेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी, 20 न्यूटन के इक्वल होगी, यानी कि स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, 20 लगेगा। उस इंस्टेंट पे क्या होगा, यहां पर आप इसको रेफरेंस ले लें, अब
निकाय को विराम अवस्था से छोड़ा आपने, इस समय कोई एक्सटेंशन नहीं, जैसे ही ये नीचे जाएगा आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियली ये रेफरेंस ले लें तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब ये यहाँ से मूव करेगा तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, माइनस एम जी एक्स रेफरेंस से नीचे जा रही है, और काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 एम वी स्क्वायर। आपको निकालना वी, रीअरेंज कर लें तो ये वी अरेंज करेंगे तो 1/2 एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एक्स, 1/2 एम वी स्क्वायर ये इधर आया, ये माइनस हो गया 1/2 के एक्स स्क्वायर। चलिए अब के एक्स की वैल्यू जो है वो है यहाँ पर 20 न्यूटन। ये के एक्स किसके इक्वल होगा, टेंशन के इक्वल होगा 20 न्यूटन। आप वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो 1/2 ये 1/2 कैंसिल कर दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एम, एम की वैल्यू आपको दी हुई है 5, तो ये 5, ये वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एम की वैल्यू 5, जी की वैल्यू 10। अब ये हमें एक्स निकालना है, एक्स आपको गिवन होगा, के गिवन है, एक्स आप निकाल सकते हो, तो 20 अपॉन के की वैल्यू 40, तो 1/2 हो गया, ये 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1/2, ये आपका के एक्स कितना है 20 का स्क्वायर हो जाएगा, के से ऊपर मल्टीप्लाई करो और के से नीचे, तो के की वैल्यू कितनी होगी 40 होगी। आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वी की वैल्यू आ जाएगी 2√2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इस सीधी रेखा में गति करने वाले कण पर लगने वाले बल कण के वेग पर निम्न प्रकार निर्भर करता है, जहां के एक नियतांक है, इस बल द्वारा किया गया कार्य टी समय में कितना होगा। तो देखिए पावर इक्वल टू जो होता है वो होता है एफ डॉट वी, आप एफ की वैल्यू के अपॉन वी, ये वी, वी से वी, तो ये के आ गया। अब पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, ये के, तो आपसे पूछा कितना कार्य होगा, तो ये आ जाएगा के टी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। देखो एक मोटर कार 1200 मीटर रेडियस में सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, जिसकी स्पीड है वो 60 मीटर पर सेकेंड है, और ये इसकी जो स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से चेंज हो रही है, तो इसमें एक्सेलरेशन पूछा है कि कार का त्वरण कितना होगा। तो हमें पता है जो त्वरण होगा a इक्वल टू ए नेट, वो होता है ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ए सी कितना होता है आपका v स्क्वायर अपॉन r का होल स्क्वायर प्लस ए टी, यानी कि डीवी बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये a, v कितना है, v आपको दिया हुआ 60, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 और r दे रखा है 1200 स्क्वायर, प्लस 80 कितना दिया हुआ है 4। चलो इसको सिंप्लीफाई करें, ये इससे कैंसिल, ये इससे 2 टाइम्स, ये इससे 3 टाइम्स, 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 5, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक कण वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा, किसी इंस्टेंट पे इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी, एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा, और जो सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन है वो आपको दिया होता है, इनमें से क्या रिलेशन होगा। तो देखिए पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव कर रहा है, तो हमें पता है ओमेगा अल्फा कभी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते, ओमेगा अल्फा या तो पैरेलल हो सकते हैं या एंटी पैरेलल हो सकते हैं, तो कौन सा संबंध गलत है इनकरेक्ट बताना है, तो ये हो गया। ओमेगा भी परपेंडिकुलर हो सकते हैं, ओमेगा और ऐसे भी परपेंडिकुलर हो सकते हैं, वी और ऐसे परपेंडिकुलर होते ही हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दिया हुआ है पार्टिकल रेस्ट ऑन अ टॉप ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, फाइंड द स्मॉलेस्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट मस्ट बी इंपार्टेड टू द पार्टिकल इफ इज टू लीव द हेमिस्फीयर विदाउट स्लाइडिंग डाउन। देखो ये आपको एक हेमिस्फीयर गिवन है, दिस इज द हेमिस्फीयर। अब यहां पर ये एक पार्टिकल रखा हुआ है, इसका मास दे दिया हमने m ले लो, और इसकी ये रेडियस होगी r। अब ये बोल रहा है कि यहां पर आप इसको क्या वेलोसिटी दें कि ये यहां पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए, यहां नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए, ये नॉर्मल जीरो हो जाए, तो
तो भाई आप इतनी वेलोसिटी दें कि ये इस इंस्टेंट पे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो, तो ये एम जी ही इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करें, यानी कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम से एम कैंसिल, तो वी इक्वल्स टू रीअरेंज करने पे अंडर रूट आर जी आ जाएगा, तो ये इसको दी हुई वेलोसिटी हो जाएगी जिससे कि ये यहां पर कॉन्टेक्ट रिलीज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए नंबर ऑफ फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी इज इन स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम, देन देखिए इक्विलिब्रियम में मींस नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है तो नेट वर्क डन कितना होगा, जीरो ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जिसपे फोर्स लग रहा है एफ इक्वल टू 3x² + 2x - 10 न्यूटन के अकॉर्डिंग, के ये इतना फोर्स यहां पर इन न्यूटन एक्ट कर रहा। अब ये एक्स अक्ष के अनुदिश एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू 1 मीटर तक गति करता है, तो इस प्रक्रम में किया गया कार्य होगा। तो यहां पर कार्य निकालना है, वर्क निकालना है, तो वर्क जो होता है वो होता है एफ डॉट डी एक्स। तो ये आपका फोर्स जो हो गया 3x² + इंटीग्रेट कर देंगे तो 3x² + 2x - 10 और ये हो गया dx, इसको इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, चलिए इंटीग्रेशन कर दें। तो ये आपका हो गया 3x³/2x² / 2 - 10x, ये लिमिट होगी 0 to 1। चलिए भाई ये कैंसिल, लिमिट पुट करेंगे तो ये आ गया 1 + 1 - 10 - 0, तो ये आपका आ रहा है -8। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, -8 जूल। नेक्स्ट आपको गिवन है, इफ 250 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग ए 5 केजी ब्लॉक अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट 4 मीटर, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज। तो देखिए आपको ब्लॉक को जो है आप ऊपर स्लाइड करते हुए ले जा रहे हैं, ये ब्लॉक है, ये हाइट 4 मीटर गिवन है, 5 केजी ब्लॉक है, आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ये यहां तक आ रहा है, तो आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, तो ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दैट इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां भी रेस्ट पे, यहां पे भी रेस्ट है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी तो ये हो गया एम जी एच, तो माइनस एम नीचे फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऊपर, माइनस 5 जी की वैल्यू 10 और डिस्प्लेसमेंट हो गया एच। आपसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा है तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन एज इट इज रखो, प्लस वर्क डन बाय फोर्स आपको गिवन है 250, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वर्क डन बाय ये आपका आ रहा है दैट इज 0। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, इसको रीअरेंज करें 250 और ये 200, तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो आ रहा है -50, यानी कि 50 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है 2 केजी द्रव्यमान का एक कण सरल रेखा के अनुदिश v इक्वल टू a रूट x वेग से गति कर रहा है, जहां a एक नियतांक है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 मीटर तक कण के विस्थापन के दौरान नेट बल द्वारा किया गया कार्य। भाई आपको पता है कुल बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, तो 1/2 एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी इनिशियल स्क्वायर। अब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहां पर आपके v की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आप x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी इसका कितना आएगा वो देख लेते हैं। 1/2 मास हो गया इसका m, तो m हो गया आपका 2 kg, v फाइनल, तो v फाइनल आपका है ये a रूट x, यानी कि कहां से ये रूट 4 माइनस ये तो 0 हो गया, इसका स्क्वायर किया ये कैंसिल, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या आ रहा है 4a² आ रहा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 4a². नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपसे बोला है फॉर अ पार्टिकल
फॉर अ पार्टिकल मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स काइनेटिक एनर्जी पोजिशन ग्राफ गिवन देन. देखिए ये इधर काइनेटिक एनर्जी और इधर एक्स आपको दिया हुआ. तो परिवर्तित बल के प्रभाव में गतिशील कण की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के बीच में क्या ग्राफ होगा. तो देखिए यहां पर आपको x f और x, तो आपको पता है वर्क डन इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी, और ये किसके इक्वल होता है f और x, k अपॉन x यानी कि ढाल. ये हो गया आप ये यानी कि आपके ये जो है इसका ढाल बात करें k अपॉन x, तो ये आ रहा है f. अब आपसे पूछा है एक पर कण अवमंदित होता है, तो आप देखें यहां पर के एक्स, यहां पर ए जो है इसकी चाल बढ़ेगी क्योंकि फोर्स पॉजिटिव है, बढ़ेगी. बी पर कण त्वरित होता है, बी पर ढाल जीरो है, स्लोप जीरो तो नहीं होगा. सी पर कण का वेग अधिकतम होगा, यहां भी इसका जो स्लोप है वो जीरो है. डी पर कण का त्वरण अधिकतम होगा, तो आप देख रहे हैं यहां पर डी पर जो है स्लोप मैक्सिमम है, यानी कि के बाई एक्स आपकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो एफ भी क्या होगा मैक्सिमम होगा, तो इसका त्वरण भी क्या होगा अधिकतम हो जाएगा. तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन फोर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, एक खाली बस सीधी सड़क पर गतिमान है, इस पर ब्रेक आरोपित करने पर यह एक्स दूरी जाकर रुक जाती है. यदि अब यदि बस के भार में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो ब्रेकिंग बल अपरिवर्तित रहता हो तो ब्रेक आरोपित करने पर बस कितनी दूर जाएगी. दोनों स्थितियों में बस का वेग समान है. तो देखो भाई ये बस है आपका, ये बस है, तो बोल रहा है एक खाली बस है, ये खाली बस है, इसका द्रव्यमान m मान लो, सीधी सड़क पर गतिमान है, इस पर ब्रेक आरोपित करने पर x दूरी जाकर गति करती है, तो इसका वेग हो गया, इस पर आपने ये बल लगाया f, तो कहीं जाके ये रुकेगी, इसका वेग शून्य हो जाएगा, तो ये x दूरी जाके रुक गई. अब बोल रहा है यदि बस में अब 50% वृद्धि कर दी जाए द्रव्यमान में, तो अब कितना हो गया 1.5 m हो गया. अब ब्रेकिंग बल अपरिवर्तित है, ब्रेक आरोपित करने पर बस कितनी दूरी जाएगी, तो आपने यहां पर ब्रेकिंग फोर्स रिमेंस अनचेंज्ड, ठीक है, तो दोनों स्थिति में आपको ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दोनों सेम दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ बस इन बोथ केसेस सेम, दोनों स्थिति में बस का वेग समान है प्रारंभ में, तो ये फोर्स सेम हो गया, ठीक है. अब ये जो डिस्टेंस चलेगी हमें वो एक्स डैश निकालनी है, और ये फाइनली वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी, तो हमें एक्स डैश निकालनी. चलो अब इसमें जो फोर्स है वो फोर्स ये एफ लगा, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स हो रहा इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो होगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 मास एम वी स्क्वायर, ये इक्वेशन वन हो गया. अब ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक्स डैश, तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब वो कितना होगा आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज 1/2 मास हो गया 1.5 m v स्क्वायर, ये इक्वेशन टू होगी. आप डिवाइड करें, F कैंसिल, 1/2 m कैंसिल, v स्क्वायर कैंसिल, तो x डैश इक्वल टू कितना आ गया 1.5 x आ गया, मींस अब जो डिस्टेंस चलेगा पहले का डेढ़ गुना चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, एक वस्तु को धरातल से तिर्यक रूप से प्रक्षेपित किया जाता है, नीचे की ओर गति के दौरान गुरुत्व द्वारा आपूर्ण शक्ति क्या होगी. तो आपने एक पार्टिकल को यहां से प्रक्षेप किया, ये m मास को ये से जाएगा, तो नीचे के दौरान इस पे mg नीचे लगेगा ग्रेविटी फोर्स, और इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री होगा, तो इसको आपूर्ण शक्ति क्या होगी पॉजिटिव होगी, और जिसका वेग लगातार बढ़ेगा तो जो शक्ति होगी वो भी बढ़ेगी, तो लगातार बढ़ेगी पावर. तो ये पावर जो है ये होता है एफ वी कॉस थीटा, एफ कॉन्स्टेंट है लेकिन वी इंक्रीज होता है इसलिए पावर इंक्रीज होती जाएगी. नेक्स्ट है, द ब्लेड्स ऑफ ए विंड मिल स्वीप आउट ए सर्किल ऑफ एरिया ए, इफ विंड फ्लो विद अ वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर टू ब्लेड्स ऑफ विंड मिल एंड इट्स डेंसिटी इज रो, देन द मैकेनिकल पावर रिसीव्ड बाय विंड मिल इज. आपको देखो एक जो है पवन चक्की है, उसका जो ब्लेड का एरिया है वो ए है, यदि वायु पवन चक्की की ब्लेडों के लंबवत वी वेग से प्रवाहित होती है तो इसका घनत्व रो है, तब पवन चक्की द्वारा ग्रहण यांत्रिक शक्ति क्या होगी. देखिए यहां पर क्वेश्चन में ये आपके ब्लेड्स है, ये ब्लेड्स, ये एरिया, अब ये जो है ये इसकी जो जितनी एरिया होगा उतने में ही क्या करेगा ये पावर ट्रांसफर करेगा, तो यहां पर जो पावर होगी वो होगी आपकी 1/2 मास वी स्क्वायर अपॉन
टी ये होगा। अब ये जो इसके पास जो एनर्जी होगी एयर के पास वो कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 मास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, जिस लेंथ तक ये डिलीवर करता है टी टाइम में वो टी टाइम में, अपॉन वी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 1/2 रो ए एल बाई टी वी हो जाएगा, तो ये वी क्यूब हो जाएगा, तो 1/2 रो ए वी क्यूब। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यू और एक्स ग्राफ दिया हुआ है, आपको इसमें एफ और एक्स ग्राफ बताना है। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स ये आपका पॉजिटिव है तो एफ आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया। यहां पर डी यू बाई डी एक्स जीरो है तो एफ आपका जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया यहां पर, ठीक है। आपका ये डी यू बाई डी एक्स नेगेटिव है तो ये एफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, एक कण एफ बल की क्रिया के प्रभाव में आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गतिशील है। यदि किसी क्षण पर कण का वेग v है तो कण की चाल वर्धमान है तब। देखो क्वेश्चन इस तरह से, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव है और इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। जब कंटिन्यूस इंक्रीज होगी तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, और जब भी 90 डिग्री होगा तो आपके एफ डॉट वी यानी कि एफ वी कॉस थीटा ये आपका ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा, तो एफ डॉट वी जो है ग्रेटर देन जीरो होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है देखो, ए वेरिएशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मूविंग along the x axis varies its position x shown in figure, then the body is in static equilibrium then is। to aapse dekho ye aapko f aur x graph diya hua hai, aapko isme se batana hai p q r mein se kaun si sthiti hai jahan par particle sthayi samyavastha mein hoga, static equilibrium mein hoga। to dekhiye yahan par to force zero hi nahi to r to aapka ho gaya cancel। ab yahan par baat kare to yahan par aapke bhai static equilibrium ke liye condition hoti hai f is proportional minus x, displacement ke opposite direction mein jab force lagta hai to wo state jo hai wo stable equilibrium hota hai, wo stable equilibrium hoga, sthayi samyavastha hogi। to ye condition meet karegi q position pe, to dekhiye yahan par force negative ho raha hai x positive ho raha hai, to ye yahan par meet kar rahi, yahan par kya hai x bhi positive f bhi positive dono ek hi direction mein, to yahan meet nahi karega, to right answer ho jayega option 2। देखिए आपको दिया हुआ है, एक समान जंजीर जिसका द्रव्यमान m है लंबाई l है, इसे एक घर्षण रहित मेज पर इस प्रकार रोका जाता है कि इसकी लंबाई का 1/6 भाग मेज के किनारे पर लटका हो, लटके हुए लंबाई के भाग को मेज पर ठीक खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये मेज मान लो, ये चेन होगी, ये चेन का 1/6 पार्ट लटका हुआ यानी कि m/6 लटका हुआ, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा l/12 पे, भाई कितना लटका हुआ है l/6, तो l/12 पे होगा, आपको सिर्फ इसको यहाँ से यहाँ तक लाना है। तो लाने में कितना कार्य होगा, तो आप कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ला रहे हैं तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। तो ये जितना फोर्स होगा ग्रेविटी के अगेंस्ट करना पड़ेगा, तो वर्क डन बाय फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा, तो ये आपके माइनस m/6g, और कितना सेंटर ऑफ मास को लिफ्ट कर रहे हैं l/12 दैट इक्वल्स टू जीरो। तो ये आपका एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन होगा mgl/72। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया हुआ है, मास ऑफ 0.5 केजी मूविंग विद स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस कोलाइड्स विद अ नियरली वेटलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के गिवन है, द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग वुड बी। तो ये इसको मैक्सिमम कितना कंप्रेस करेगा, तो हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, तो ये 1/2, ये 1/2 काइनेटिक एनर्जी, ये किसमें कन्वर्ट होगी, इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 से 1/2, हमें एक्स मैक्सिमम निकालना, तो एक्स इक्वल्स टू ये mv² / k हो गया। आप m की वैल्यू पुट करें, m दैट इज 0.5, v कितना है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5,
ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी एम वी स्क्वायर बाई के, 0.5 1.5 1.5, और के गिवन है 50। ये इससे कैंसिल, यहाँ 10 आ गया, ये 5 से 5, तो ये आप x इक्वल टू कितना हो गया 1.5 upon 10 हो जाएगा, तो ये आपका 0.15 आ जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो एक व्यक्ति एक एच मीटर गहरे कुएं से पानी भरी हुई बाल्टी को खींचता, यदि रस्सी का द्रव्यमान m है तो पानी से भरी हुई बाल्टी का द्रव्यमान m है, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य होगा। देखो इसमें बाल्टी का जो द्रव्यमान है, बकेट का मास होगा वाटर, वाटर का मास वो तो कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन जो रोप है उसका मास कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो हम उसकी एवरेज वैल्यू ले सकते हैं। तो ये पूछा है कार्य कितना होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा, तो एम जी एच कार्य होगा, तो एम मास तो इसका तो कॉन्स्टेंट रहेगा बकेट का, तो लेकिन रस्सी का जो रोप का होगा उसका एवरेज ले लो, यानी कि हाफ ले लो, मल्टीप्लाई बाई जी एच, तो ये आ गया एम प्लस एम बाई टू जी एच। नेक्स्ट है, ए कॉन्स्टेंट पावर पी इज अप्लाइड टू ए पार्टिकल ऑफ मास एम, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल व्हेन इट वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम वी वन टू वी टू इज नेगलेक्ट फ्रिक्शन। तो देखो आपने एक पार्टिकल को कॉन्स्टेंट पावर दी, पी इक्वल टू क्या होता है एफ मल्टीप्लाई बाई वी, कॉन्स्टेंट पावर है, ये होता है मास मल्टीप्लाई बाई एक्सलेशन वी, आपको टाइम डिस्टेंस वी और एस का रिलेशन निकालना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मास कॉन्स्टेंट है, ए को लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स वी, इसको रीअरेंज करें तो वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू पी बाई एम डी एक्स, आप बोथ साइड इंटीग्रेट कर लो, बोथ साइड इंटीग्रेट करो तो वी वन से वी टू, ये आपका आ गया वी वन से वी टू, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 to x, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वी टू क्यूब माइनस वी वन क्यूब अपॉन 3 ये आ ही गया, और ये आपका p बाई एम एक्स हो गया, x पूछा है तो x पूछा है तो ये आपका m अपॉन 3 p, m अपॉन 3 p वी टू क्यूब माइनस वी वन क्यूब, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर कार्यरत एक बल F चित्रानुसार दूरी x के साथ परिवर्तित होता है, बल न्यूटन में है x मीटर में है, तो बल द्वारा वस्तु को x 0 से x कितना कार्य करना होगा, 0 से 6 तक, तो इसका एरिया निकाल दो, ये एरिया कितना है, तो ये एरिया F x ग्राफ का एरिया जो होगा वर्क को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 बाई 2, और ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 9 प्लस 4.5 मीन्स 13.5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नियत बल के अंतर्गत विराम अवस्था में आरंभ करते हुए द्रव्यमान m द्वारा दूरी d तय करने में प्राप्त गति ऊर्जा निम्न में से किसके समानुपाती होगी। तो देखिए आपको एक नियत बल, ठीक है, द्रव्यमान दे दिया m, तो ये जो होता है वर्क डन इक्वल्स टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। एक नियत बल के अंतर्गत विराम अवस्था यानी कि काइनेटिक एनर्जी जीरो है इनिशियली, आरंभ करते हुए द्रव्यमान m द्वारा d दूरी तय करने में प्राप्त गति ऊर्जा निम्न में से किसके समानुपाती होगी। तो वर्क डन क्या होता है फोर्स, ये फोर्स दिया हुआ नियत बल, और डिस्प्लेसमेंट d, और ये होगी गतिज ऊर्जा। तो आप देख रहे हैं गतिज ऊर्जा जो है द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं कर रही, यहाँ पे आपको गिवन डेटा में फोर्स है f दिया हुआ है, d दिया हुआ है, द्रव्यमान कहीं नहीं आ रहा, तो m पर कोई निर्भरता नहीं है। नेक्स्ट, देखो एक m द्रव्यमान की वस्तु v इक्वल टू k x टू पावर 5 बाय 2 वेग से सरल रेखा में गतिशील है, जहां k एक कांस्टेंट है, तो 0 से x तक विस्थापित करने में कार्य समानुपाती होगा, तो किया गया कार्य किसके बराबर होता है, गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, तो यहां पे वर्क डन इक्वल टू 0 पे वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस, ये तो फाइनल हो गया इनिशियल, 1/2 एम वी इनिशियल स्क्वायर। अब x की वैल्यू 0 रखेंगे इनिशियल, तो v 0 हो गया, तो ये इनिशियल तो 0 हो गया, तो वर्क डन जो है यहां पे बोल रहा है करने में कार्य समानुपाती होगा, तो 1/2 एम वी फाइनल, आप इसका स्क्वायर कर दें तो के स्क्वायर, और ये x टू पावर 5/2 का ये k है,
ये भी इसका स्क्वायर भी कर दो, ये टू टू से टू, तो आप देख रहे हैं वर्क डन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, एक्स टू पावर फाइव के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट नेक्स्ट है, संवेग पी वो गतिज ऊर्जा के वाला एक कण, वाला एक कण गुरुत्व विहीन माध्यम में गतिशील है जब एक नियत बल एफ प्रारंभिक संवेग के लंबवत है। तो इस कण पर टी समय के लिए जो है बल एफ लगाया जा रहा है, तो कण की अंतिम गति ऊर्जा क्या होगी। तो क्वेश्चन इस तरह से, संवेग पी गति ऊर्जा के वाला एक कण गुरुत्व विहीन माध्यम में गतिशील है। तो ये मान लो एक कण है, गुरुत्वहीन, ग्रेविटी फोर्स नहीं है। अब इस पे ये इधर की तरफ गतिशील है, इसका संवेग पी हो गया। अब एक नियत बल एफ प्रारंभिक संवेग के लंबवत इधर लगा, ये एफ दिशा में, ये एक्स डायरेक्शन ले लो, ये वाई डायरेक्शन ले लो। इस कण पर टी समय के लिए लगाया जाता है, तो कण की अंतिम गतिज ऊर्जा होगी। तो अंतिम गतिज ऊर्जा निकाली जाए, तो भाई गतिज ऊर्जा जो है के इक्वल टू है पी स्क्वायर अपॉन टू एम है। अब इसका x डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन कोई नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, तो ये p हो गया, वेलोसिटी इसकी v हो जाएगी। अब y डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन होगा वो फोर्स अपॉन m हो गया, तो इसकी y डायरेक्शन में t टाइम पर वेलोसिटी जो हो जाएगी v y, इनिशियल तो जीरो है, a y यानी कि f by m और टाइम t होगी। तो अब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v यानी कि v वेलोसिटी ले लो, तो x और y डायरेक्शन में टोटल गति ऊर्जा पूछी, कण की अंतिम गति ऊर्जा, तो v निकाल लो, दोनों दिशा में आप निकाल के जोड़ दो, एड कर दो। तो यहां पर v जो होगा वो हो गया आपका p by m हो जाएगा, p आपको दिया हुआ, p by m हो जाएगा, तो ये वेलोसिटी होगी p by m होगी, ठीक है, m को कन्वर्ट कर लेंगे गति ऊर्जा के रूप में। ये तो हो गया x एक्सिस के अलोंग, तो ये हो गया इसकी वेलोसिटी p by m, y एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी f बाई एम टी जे कैप। आपको गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी ये फाइनल आपको निकालनी है, तो 1 बाई टू एम और इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो अंडर रूट पी स्क्वायर, तो अंडर रूट से तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, v स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके आ जाएगा p बाई एम का स्क्वायर प्लस एफ टी बाई एम का स्क्वायर। अब आप इसको गतिज ऊर्जा जो k की फॉर्म में है, ये p को हटा दो या m को हटा दो, तो m इक्वल टू क्या पी स्क्वायर अपॉन टू के, तो ये m को हटा देंगे हम, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका इस तरह से आएगा, गतिज ऊर्जा जो अंतिम आएगी, तो k तो आपको क्या दे रखा है, इनिशियल गतिज ऊर्जा दे रखी, तो ये एक बटे दो, ठीक है, ये आप m बाहर ले लो इसको, p स्क्वायर, ये m स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है, तो यहाँ वन प्लस एफ टी अपॉन m ये बाहर लिया, तो ये m अपॉन p ये हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर ये हो गया, ये कैंसिल, तो ये आपका हो गया गतिज ऊर्जा 1 प्लस, ये m से भी m कैंसिल, तो आ गया आपका आंसर 1 प्लस एफ टी अपॉन पी का होल स्क्वायर। तो राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, चित्र में जो है आपको a का द्रव्यमान m, b का द्रव्यमान 4m, सभी सतह चिकनी है, निकाय को विराम से छोड़ा जाता है, तो स्प्रिंग अवितान है, तो स्प्रिंग के अधिकतम प्रसार होगा, तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो। तो भाई देखिए ये नीचे आएगा, तो अधिकतम जहां प्रसार होगा वहां जाके ये रुकेगा, रुकेगा तो इसके अंदर क्या होगा, इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, आप यहां पर क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, तो ये रेफरेंस ले लें, तो ये रेफरेंस ले लिया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, स्प्रिंग भी जीरो। अब ये नीचे आ रहा है, तो ये x जो है मैक्सिमम हो रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो माइनस एम जी एक्स एम हो गया, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी आगे डिक्रीज होगी, रुकेगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और ये यहाँ पर इसका मास कितना है, b का मास 4 है, तो ये 4m कर दो। अब
इसकी पास एनर्जी आ जाएगी 1 बाई टू के एक्स एम का स्क्वायर, रीअरेंज करोगे तो ये आपके एक्स एम की वैल्यू आ गई 8 एम जी बाई के, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आपको दिया हुआ है 4 केजी द्रव्यमान के एक कण को शक्ति प्रदान करने पर वह समय के साथ पी इक्वल्स टू 4t³ वोल्ट के से परिवर्तन दर्शाता है, जहां t सेकंड में। यदि कण का वेग t बराबर 0 पर वेग 0 है तो t बराबर 4 सेकंड पे कण का वेग क्या होगा ज्ञात करें। तो भाई देखिए, आपको कण का वेग ज्ञात करना है t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे। तो हमें पता है पावर, पावर इक्वल्स टू होता है f डॉट v, ठीक है, पावर। अब पावर आपको दी हुई है 4t³, ये पावर दी हुई, और f होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सलरेशन। एक्सलरेशन को हम लिख सकते हैं dv बाई dt, और ये v हो गया। अब m की वैल्यू 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। आप इसको लिख सकते हैं tq dt इक्वल्स टू vdv, आप बोथ साइड इंटीग्रेट करें। तो ये बोल रहा है t की वैल्यू जब 0 है तो v भी 0 है, तो t इक्वल्स टू 4 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसका रीअरेंज करेंगे तो ये तो हो गया v स्क्वायर बाई 2, रीअरेंज किया इंटीग्रेशन किया तो vdv का तो हो गया v स्क्वायर बाई 2। अब ये हो गया t 4 अपॉन 4 0 टू 4, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल, v स्क्वायर ये आपके 1 बाई 2 और 4 टू पावर 4 ये आपका, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 1, v इक्वल्स टू क्या हो गया 1 बाई रूट 2, तो ये हो गया, और ये 4 टू पावर 4 ये यानी कि 8 रूट 2 हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द वर्क डन बाय द फोर्स f इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आई के प्लस वाई स्क्वायर जे के अराउंड द पाथ शोन इन द फिगर। आपको यहाँ पर इसमें इनिशियल यहाँ से गया और वापस वहीं पर आ गया, तो कितना वर्क डन होगा। तो देखिए dw इक्वल्स टू होता है f डॉट dr, dw मींस नेट वर्क डन, f कितना दिया हुआ है आपको x स्क्वायर आई के प्लस वाई स्क्वायर जे के डॉट dx आई कैप प्लस dy जे कैप, बहुत सारे इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट ये 0, 0 से 0, 0 तक ही करेंगे, तो क्या आ रहा है आपका 0 आएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है एन आइडियल स्प्रिंग कांस्टेंट के इज हंग फ्रॉम दिस सीलिंग एंड ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज अटैच्ड टू इट्स लोअर एंड, द मास इज रिलीज विद द स्प्रिंग इनिशियली एंड स्ट्रेस, देन द मैक्सिमम एक्सटेंशन द स्प्रिंग इज। आपको यहां पर क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है कि ये एक स्प्रिंग है और इसमें इस समय कोई एक्सटेंशन नहीं है, कोई कंप्रेशन नहीं, आप इसको रिलीज करेंगे तो जब ये जहां पर मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, एक्स मैक्सिमम होगा, वहां वेलोसिटी 0 होगी, तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दें, तो यहां पर इसकी जो है सारी एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इलास्टिक जो है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एक्स, एक्स से एक्स, तो ये आपका आ गया 2mg/k, तो 2mg/k आ जाएगा। देखो काइनेटिक एनर्जी बॉडी इंक्रीज बाय 0.1%, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम। देखो काइनेटिक एनर्जी p² / 2 है, लेस देन 5%, तो आप लिखते हैं इसको डेल्टा के ई अपॉन काइनेटिक एनर्जी 100% इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये 2 डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय 100%। अब आपसे पूछा है इट्स मोमेंटम विल बी, तो परसेंटेज इसमें कितना होगा इसमें पूछा है, तो इसको 2 से इधर डिवाइड कर दो, 1/2 काइनेटिक एनर्जी में कितना हो रहा है 0.5%, ये मोमेंटम में आएगा, तो ये आपका 0.2 इस तरफ आ गया, तो 0.25 आपका ये हो जाएगा, 0.1 है ये आपको दिया हुआ है, 0.1 ये गिवन है 0.1, तो ये 0.1 अपॉन ये 2 इस तरफ आ गया, तो ये हो गया 0.05। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेस हो रहा है वो 0.1% हो रहा है, तो लीनियर मोमेंटम होगा 0.05%। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट है, एक लंबी स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर तक खींची जाती है तो इसकी स्थिति ऊर्जा यू है। अब स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर तक खींचा गया तो इसमें संग्रहित स्थिति ऊर्जा होगी। तो देखिए स्थिति ऊर्जा जो होती है यू, यू इक्वल टू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के एक्स कितना है 2 का स्क्वायर। अब आपने इसको 10 तक खींच दिया तो यू डैश इक्वल टू कितना हो गया 1/2 के 10 का स्क्वायर। डिवाइड कर लें तो सोल्व करने पे आ जाएगा आपका 25 u। नेक्स्ट है, एक एम द्रव्यमान का गुटका नियत त्वरण ऐसे खुरदरी सतह पर गति करता है। यदि गुटके सतह के मध्य घर्षण गुणांक म्यू है तो बाह्य कारक द्वारा शुरू से टी समय में प्रदान शक्ति कितनी होगी। तो देखो ये गुटका है, इसको रफ सतह पर रखा हुआ है, ये द्रव्यमान एम है, इस पर लग रहा है बाह्य बल एफ, इधर लग रहा है घर्षण बल एफ, नियत त्वरण से जा रहा है तो एफ आगे लग रहा है, घर्षण बल पीछे लग रहा है, दैट इक्वल्स टू द्रव्यमान इनटू त्वरण हो गया। तो यहां पर पूछा है बाह्य कारक द्वारा प्रदान शक्ति होगी, तो बाह्य कारक द्वारा बाह्य बल हो गया स्मॉल एफ यानी कि घर्षण बल प्लस एम इंटू है, ये बाह्य बल यानी कि घर्षण बल होता है म्यू एम जी प्लस एम इंटू ए। अब इसकी जो वेलोसिटी होगी प्रदान शक्ति है तो एफ तो निकल गया, वेलोसिटी निकालेंगे पावर के लिए, तो पावर इक्वल टू होता है एफ मल्टीप्लाई बाई वी, एफ निकल गया वी निकालें तो वी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वी बराबर यू प्लस ए टी। तो वी U कितना है इसका 0 है, A आपको दिया हुआ है कांस्टेंट है A टाइम T, ये V आ गया तो वैल्यू पुट कर दो P, F की वैल्यू क्या है म्यू एम जी प्लस एम ए मल्टीप्लाई बाय V की वैल्यू होगी ए टी, सॉल्व कर लो ये आ जाएगा, M बार कॉमन ले लो, आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, ए पार्टिकल ऑफ मास M इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड U एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ग्राउंड, द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन इट्स ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन इज। देखो ये पार्टिकल जो है आपने इनिशियल वेलोसिटी ये इस तरफ फाई डायरेक्शन ले लिया, ये एक्स ले लिया, अब आपने इनिशियल वेलोसिटी यू से थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट किया, द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन इट्स ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, तो सिर्फ वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, तो भाई वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ लगेगा एम जी, डिस्प्लेसमेंट एच मैक्सिमम हो गया ठीक है, और 180 एंगल हो गया तो कोस 180 की माइनस 1 आ गया, माइनस आ गया, माइनस एम जी एच मैक्सिमम होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जी से जी कैंसिल तो ये आ गया माइनस एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, के नियतांक की एक स्प्रिंग को वास्तविक लंबाई ए दूरी तक खींचा जाता है, फिर इसे बी दूरी और खींचा जाता है तो बी लंबाई खींचने में किया गया कार्य होगा। तो देखो कैसे पता हमें, ये है डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ डॉट डी एक्स, तो स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट के इज फर्स्ट स्ट्रेच, तो ये डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इक्वल टू के एक्स डी एक्स, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ए टू, पहले ए तक ही अब फर्दर बी यानी कि अब आपका हो गया ए प्लस बी, तो नेट वर्क डन के कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया एक्स डी एक्स का करो तो एक्स स्क्वायर बाई टू ए टू ए प्लस बी, वैल्यू पुट कर दो तो के बाई टू बाहर आ गया और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर दो के बाई टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी बाहर ले लो तो 1/2 के बी टू ए प्लस बी, राइट आंसर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एम द्रव्यमान का एक कण मूल बिंदु से x अक्ष की ओर गति प्रारंभ करता है जिसका वेग स्थिति के साथ रिलेशन ये दिया हुआ है v इक्वल्स टू k रूट x, पहले t सेकंड पर कण पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। देखो पहले t सेकंड में कण पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है, तो किया गया कार्य किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, आप ऐसे कर सकते हैं किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन मीन्स 1/2 एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, आप ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है। तो आप टी सेकंड में कण पर कार्य, तो इस पे आपको रिलेशन चेंज करते हैं, वी को हम लिख सकते हैं वी इक्वल्स टू के रूट एक्स मीन्स एक्स टू पावर 1/2,
v आपका हो गया dv बाई डी टी, आप v को dv बाई डी टी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए एम द्रव्यमान का जो कण है मूल बिंदु से x अक्ष की ओर, देखिए हम यहां पर इसमें वर्क डन बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हमें पता है ये जो है v इक्वस टू के x टू पावर 1 बाई टू, तो हम यहां पर फोर्स निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो वो भी वर्क डन भी आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं dv बाई डी टी यानी कि एक्सलरेशन, तो ये के 1 बाई टू एक्स 1 बाई टू माइनस 1 माइनस 1 बाई टू और डी एक्स बाई डी टी दैट इज वी। तो ये वी की वैल्यू जो है वापस वैल्यू पुट कर दें तो ए इक्वल्स टू के बाई टू एक्स टू पावर माइनस 1 बाई टू और वी की वैल्यू क्या है के एक्स टू पावर 1 बाई टू, ये ए जो आ रहा है के स्क्वायर बाई टू आ रहा है। तो जो फोर्स होता है वो हो जाएगा मास मल्टीप्लाई बाई एक्सलरेशन यानी कि एम के स्क्वायर बाई टू हो गया, फोर्स आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं इन टर्म्स ऑफ टी। तो v को लिख सकते हैं हम dx एक्स बाई डी टी के एक्स टू पावर 1 बाई टू, तो इसको रीअरेंज करें तो x टू पावर माइनस 1 बाई टू डी एक्स इक्व टू के डी टी ये लिख सकते हैं। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन करें तो ये आपका हो जाएगा 2x टू पावर 1 बाई टू और ये आपका हो गया के टी हो गया। तो x टू पावर 1 बाई टू मीन्स के टी बाई टू, आप स्क्वायर कर दें x निकाल लें तो ये आ गया k स्क्वायर t स्क्वायर बाई टू, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया फोर्स आ गया। वर्क डन आपका होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, तो m k स्क्वायर बाई टू और ये आपके स्क्वायर हो गया था यहाँ, तो ये फोर हो गया था तो यहाँ भी फोर हो जाएगा, तो ये k स्क्वायर t स्क्वायर बाई फोर, तो राइट आंसर हो जाएगा m k फोर t स्क्वायर बाई एट, ऑप्शन थ्री राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, एक रस्सी की सहायता से एम द्रव्यमान के ब्लॉक को जी बाई थ्री त्वरण से एच ऊंचाई तक ले जाया जाता है तो तनाव बल द्वारा कार्य कितना होगा। तो देखो भाई ये कैसे होगा, ये आपका ब्लॉक हो गया एम, ये तनाव बल टी, नीचे की तरफ एम जी और आप इसको एच ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं जी बाई थ्री त्वरण से, तो तनाव बल टी माइनस एम जी इक्वस टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो t इक्वल टू क्या हो गया mg प्लस mg बाई थ्री यानी कि 4mg बाई थ्री। तो वर्क डन जो होगा वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, तो 4mg बाई थ्री मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट h, फोर्स भी एक ही तरफ है जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, राइट आंसर होगा 4 बाई थ्री एम जी एच। नेक्स्ट नेक्स्ट है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज pulled along a circular arc by means of a constant horizontal force F as shown in figure. Work done by this force in pulling the block from A to B. देखो आप ये ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं, कॉन्स्टेंट फोर्स F. तो आपको सिर्फ इस फोर्स के कारण वर्क कितना होगा, तो हमें पता है जो वर्क होता है फोर्स और फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, ये R है तो ये R cos 60 और ये R sin 60, तो R sin 60 हो गया means F R root 3 by 2. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया हुआ है एक सरल लोलक अवमंदन के बिना दोलन गति कर रहा है, मींस कोई रिटार्डेशन नहीं हो रहा। जब इसकी गेंद अधिकतम विस्थापन से कुछ नीचे की स्थिति होती है जिसके त्वरण सदिश की सही दिशा होगी, तो देखो जब ये नीचे होगा तो एक तो लगेगा इस पे टूवर्ड्स सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ और एक लगेगा टेंजेंशियल, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा इस तरफ, तो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल का रिजल्टेंट होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री। आपको गिवन है तीन एक समान कणों को धागों की सहायता से चित्रानुसार जुड़ा हुआ, लंबाई समान है तीनों की, इनको वृत्ताकार पथ में वी नोट वेग से घूर्णन करा रहे हैं इस ओ बिंदु के सापेक्ष, ठीक है, वी नोट वेग से गति कर रहे हैं। तो ये सबसे बाहर वाला जो है इसकी चाल वी नोट है, लेकिन सबकी कोणीय चाल क्या होगी, समान होगी, क्यों, क्योंकि समान समय में समान एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो सबकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो तो डिफरेंट होगी लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम होगी, तो हम वो ओमेगा मान लो। चलिए अब यहां पर बोला इनमें धागों का अनुपात कितना होगा, तो इसमें 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 अनुपात पूछा है, देख लेते हैं।
तो इसमें जो इधर की तरफ टी वन, इधर की तरफ टी टू, इधर टी टू, इधर तनाव टी टू और इधर टी थ्री, तो ये T1 और T2 दोनों मिलके इसको आवश्यक अभिकेंद्र रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मास m, ओमेगा सेम रहेगा, लेंथ कितनी होगी l होगी। वो T2 एंड T3, ये T2 इधर लग रहा है और ये T3 इधर लगेगा इस पे। तो T2 माइनस T3 m ओमेगा स्क्वायर, रेडियस होगी डबल 2l हो जाएगी, l प्लस l 2l, बाहर वाले में सिर्फ T3 लग रहा है तो m ओमेगा स्क्वायर 3l हो गया। डिवाइड ऐड कर दो इनको तो T1 तो आ गया भाई 6m ओमेगा स्क्वायर L आ गया, T3 3 आ ही रहा है तो 6 और 3 तो होगा ही। अब इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पर ये तो आया T1 की वैल्यू रखेंगे तो T2 कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये 5m ओमेगा स्क्वायर L आ गया, तो 3 5 6 हो जाएगा, तो इसमें 3 5 6 का रेशो हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एक द्रव्यमान को रस्सी से बांधकर नियत चाल v से, नियत चाल 5 मीटर पर सेकंड से चित्रानुसार ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, तो P बिंदु पर रस्सी टूट जाती है, P बिंदु पर रस्सी टूट जाती तो द्रव्यमान P बिंदु से लगभग किस ऊंचाई तक जाएगा। तो देखो भाई यहां पर रस्सी टूटेगी, यहां पर यह रस्सी टूटेगी, तो रस्सी टूटते ही ये ऊंचाई ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ जाएगा, वर्टिकली लिफ्ट होगा। तो आप यहां पर इक्वेशन लगाएंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 5 का स्क्वायर प्लस 2 जी नीचे लगेगा माइनस जी और हाइट h होगी, तो h इक्वल्स टू 25 अपॉन 2, जी की वैल्यू 9.8 लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.27 मीटर। तो ये हमारे DCM पेपर नंबर 7 का यहाँ पे वर्क एनर्जी पावर सर्कुलर मोशन का डिस्कशन ओवर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने बहुत अच्छे से पेपर दिया होगा, बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर किए होंगे उसमें। तो इसी के साथ हम यहाँ पर इसका डिस्कशन ओवर करते हैं। थैंक यू। जय जय CLC।